हेलो जो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा था देवर्षि इत्यस्मिन् पदे संधि गुण संधि तथा धन एव इत्यस्य पदम भवति तथैव हो जाए। मनोहरा इत्यस्य पदे संधि अस्ति विसर्ग संधि। पितरौ इत्यस्य पदस्य समास माता च पिता च। चौरभयम् इत्यस्मिन् पदे समास कर्मधार है। महान् च आसौ पुरुष इत्यस्य समासिक पदम अस्ति महापुरुष। रामाय इत्यस्मिन् पदे वचन एक वचन। अधोलिखिते से सप्तमी विभक्ति अस्ति। सप्तमी विभक्ति बताना है साध्वे की, कि साध्वे की। ये इसी तरह का गा घा इंगा चा देख लेंगे। ये तीसरे प्रश्न में कम सा सभी देख लेना है। तीसरे प्रश्न में दिए गए हैं। चौथे में रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले वाले में विक्री हो जाएगा, दूसरे में दोग्धुम, तीसरे में दृष्टवा, चौथे में फलानी, पांचवें में जीव का हेतु और छठवें में सॉरी पांचवें में वाणी में छठवें में जीव का हेतु। ये यहाँ पे हमें भर देना है। यथा योग्यम योज्यत ये दिए गए हैं छः। छठवें वाले प्रश्नों में इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। सातवें में रेखांकित पद पे प्रश्न निर्माण करना है। सातवें में आठवें में कहा कम प्रतिकथयति बताना है। और नौवें में जो अलग है उस पर उसे अलग लिख देना है। दसवां जो है श्लोक लिखना है इसमें दसवें वाले में। ग्यारहवें वाले में क्या करना है कि प्रश्नों के उत्तर बताना है। कोई दो तीन दिए गए हैं तो दो ही बताना है। इसमें रिक्त स्थान बताना है। इस घटना को क्रम के अनुसार लिखना है तेरहवें प्रश्न में। चौदहवें में क्या करना है गद्यांश दे रखा है, फिर तीन प्रश्न है उनके उत्तर बताना है। इसी तरह सोलहवें में भी गद्यांश दे पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है। तो ये तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें बताना है। सोलह वाला प्रश्न ये देख लेंगे। सत्रहवां हमारा ये है। अठारहवें में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखनी है अथवा में शुल्क क्षमा करने के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। उन्नीसवें में किसी एक विषय पर क्या लिखना है, निबंध, पुस्तक, विद्या या उद्यानम, जिस पर भी आता है उस पर निबंध लिख देना है।